एवरीबडी, तो आज हम करने जा रहे हैं स्नॉर्कलिंग, और स्नॉर्कलिंग के लिए तारिका का दिस इज़ फर्स्ट टाइम, कहाँ गई है लड़की, इसका फर्स्ट टाइम है. मैंने काफ़ी लाइक कपल ऑफ टाइम आई हैव डन, सो आई एम वेरी यूज टू इट नाउ, एंड आई एम केयरिंग माई न्यू ऑल न्यू GoPro Hero 12, एंड यस, देखते क्या कुछ देखने को मिलता है यहाँ पे. बाय द वे, ये आइलैंड बहुत ही क्यूट है, बहुत ही सुंदर सुंदर से घर है और बहुत अच्छा है, पर धूप बहुत ज़्यादा हार्श है, और पर अच्छा है. ऑल वी नीड इज़ द क्लियर वेदर, तो वो है. एंड यस, चलो चलते हैं. एक्साइटेड? या हाँ. गाइज, लुक एट दिस हेवन ऑन द अर्थ, क्या तो ब्लू पानी दिख रहा है. कोई भी कैमरा इस सुंदरता को जस्टिस नहीं कर सकता है, कोई भी. मतलब हम, मैं लद्दाख जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, माउंटेन रीजन्स में, बीचेस में, जो हम आँखों से देखते हैं, आई मीन इन खुली आँखों से, विदाउट इवन हैविंग वेयरिंग शेड्स, वो कोई भी जस्टिस नहीं कर सकता. एंड क्या सुंदर है यार यहाँ पे सब कुछ, सो ब्यूटीफुल. मुझे मन कर रहा है यहाँ पे ड्रोन फ्लाई करने का. बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर. आइलैंड में कोताओ आइलैंड में मैंने ऐसा देखा था आइलैंड, उसके बाद सीइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम. बट वहाँ पे हम स्कूबा गए थे और यहाँ पे स्नॉर्कलिंग करने वाले. स्कूबा का एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर बहुत डिफरेंट होता है और स्नॉर्कलिंग इज डिफरेंट. बट अभी मैंने बैक टू बैक दो तीन बार स्कूबा किया है, तो स्कूबा करके हो गया, अभी स्नॉर्कलिंग करते हैं. हाँ जी एवरीबडी, सो स्नॉर्कलिंग करके हम वापस आए, हमने लंच किया, थोड़ा सा रेस्ट किया, शावर लिया, एंड नाउ अगेन वी आर गोइंग फॉर कायाकिंग. तो थोड़ा सा शाम हो गई, मतलब 4 बज गए हैं. यहाँ पे सनसेट हम देखेंगे, एक पॉइंट है जहाँ से बहुत ही अच्छा सनसेट दिखता है तुलुस्तु आइलैंड में, तो वहाँ जाएंगे शाम को. तो थोड़ा सा हमारा प्लान चेंज हो गया था, हम कायाकिंग करने कल सुबह, कल मतलब दिन में जाएंगे. आज हम आ गए हैं ये तुलुस्तु आइलैंड के एक उस पॉइंट पे जहाँ पे बहुत ही प्यारा सनसेट होता है, मैजिकल सनसेट होता है. हम यहाँ पे बैठे हैं, आराम से सनसेट देख रहे हैं. लोगों के साथ आओगे तो बहुत लेट ही होता है ये. अभी थोड़ी देर पहले, हाँ, ये कब से रेडी हूँ बोल के, फिर उसके बाद फिर से रेडी होने लगने वाले लोग जब निकलना हो तब उनको रियलाइज होता है कि अरे मैंने तो ये नहीं किया. अरे चलो भाई मैं कर लेती हूँ. तो ये उन लोगों में से एक है. बाय द वे, आज हम जा रहे हैं आइलैंड हॉपिंग के लिए. आइलैंड में पूरा साइकिल से हम घूमेंगे और लेके चलते. मौसम बड़ा सुहावना है, मतलब बारिश जैसा सा, क्लाउडी सा है. धूप नहीं है वो अच्छी बात है, इसलिए मैं बोल रही थी मौसम सुहावना है, मस्त हवाएं चल रही है. लेट्स गो.
राइट हम है अभी यहाँ पर बिकिनी बीच में। पूरे आइलैंड का हमने साइकिल से टूर ले लिया। इट्स अ ब्यूटीफुल आइलैंड और बहुत ऐसे चिल वाइब है यहाँ पे। यहाँ पे लोग मोस्टली सर्फिंग के लिए आते हैं। अभी कुछ हफ्ते पहले ही यहाँ पे सर्फिंग टूर्नामेंट हुआ है जिसमें इंडिया, इंडोनेशिया एंड UAE और बहुत सारे वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्री से लोग आए हुए थे और यहाँ पे टूर्नामेंट हुआ था। अभी भी मैंने देखा बहुत सारी फैमिलीज राइट देयर ऑल्सो एक बोट में रेडी होके सब जा रहे हैं सर्फ करने के लिए। तो यहाँ पे आगे बहुत बड़ी बड़ी मैसिव वेव्स आती है तो बच्चे बड़े सब यहाँ पे सर्फिंग सीखने आते हैं। इट्स अ सर्फिंग आइलैंड एंड या वाइब बहुत चिल है, कूल है, काम है। सो अगर आराम से समय बिताना है और बजट में, मालदीव्स में बजट लाइक यहाँ पे आपको स्टार्टिंग फ्रॉम जहाँ हम रुक रहे हैं उस होटल का जो कॉस्ट है दैट इज़ 5,000 पर नाइट इंक्लूडिंग योर ब्रेकफास्ट और डिनर। हाँ जी, तो दो लोगों के लिए विच इज़ क्वाइट बजट फ्रेंडली। और यहाँ पे और भी बहुत सारे होटल्स हैं, आप चेक कर सकते हो ऑन गूगल कि थुलुस्तो आइलैंड में और कौन कौन से होटल हैं और सारी चीज़ें। तो या यू कैन प्लान योर मालदीव ट्रिप इन द बजट। अब टाइम आ गया है कि हम थुलुस्तो आइलैंड से दिफूशी आइलैंड की तरफ जाएं और हम आ गए हैं यहाँ पर फेरी क्या बोलते हैं इसको, हार्बर। यस, हार्बर में आ गए। यहाँ पर हमारी बोट आएगी जो कि है पब्लिक फेरी होती है, उसका पब्लिक फेरी है जो कि टाइम से ही चलती है। जैसा कि यहाँ का टाइम है 4:30 और स्पीड बोट जैसे ज़्यादा चार्ज नहीं लेते हैं और काफ़ी रीज़नेबल है तो लोकल्स भी उसी से कम्यूट करते हैं एंड दैट्स not so expensive but still I'll mention the price over here or in the description box so you can check that out। but uska ek hi drawback hai ki wo ek particular time pe chalti hai like subah 7:30 baje aur sham ko 4:30 baje so that's that otherwise yeah dekhte hain kaisa rehta experience kyunki aadhe time to hum speed boat se aaye the abhi hum public ferry se ja rahe hain thodi der aadha ghanta pehle hi aa gaye khade rahenge ab ye bhi leke jao chup ये चोटी है तो गाइज हम जो इस पब्लिक फेरी में जा रहे हैं इसका पर पर्सन टिकट है 22 मालदीवियन रुपया विच इज़ आप अगर कैलकुलेट करोगे तो इंडियन करेंसी में 1 मालदीवियन रुपया इज इक्वल टू 5.40 इंडियन रुपीस। तो हमारे से 5 times ज़्यादा इनकी करेंसी है एंड इसका चार्ज है 22 मालदीवियन रुपया और जो हम स्पीड बोट में आए थे माले से थुलुस्तो आइलैंड उसका है 150 मालदीवियन रुपया पर पर्सन। तो आप डिफरेंस देख सकते हो, काफ़ी डिफरेंस है। तो इसलिए मोस्टली लोग लोकल ऐसे फेरी से बोट से जाते हैं। थोड़ा सा स्लो है स्पीड बोट से पर इकोनॉमिकल है। What's your good name? Name? Alex? Nice. हाँ जी एवरीबॉडी,
जी तो हम आ गए हैं दिफूशी आइलैंड और ये है हमारा रूम, बहुत ही छोटा सुंदर और प्यारा सा, बट इसका हाईलाइट है ये, देयर इज अ बीच राइट इन फ्रंट ऑफ आवर होटल। ये आते ही हमने गीले कपड़े सुखा दिए, क्या करें अब सुबह। मुझे ऐसा अच्छा लग रहा है ना सोच सोच के कि यहाँ पे बढ़िया स्विम करेंगे, मस्त चिल करेंगे। अभी चलते हैं थोड़ा सा आइलैंड देख लेते हैं, मतलब कि आइलैंड है कैसा। वैसे छोटा सा आइलैंड है, रेफरेंस के लिए मैं मैप डाल देती हूँ यहाँ पे, तो आप देख के समझ जाओ कितना आइलैंड है बड़ा। और इसके सामने जस्ट एक वाटर विला वाला मतलब रिजॉर्ट है, वो देख देख के ऐसा लग रहा है नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो ज़रूर वाटर विला में ही रुकेंगे ब्रो अपन। क्यों तारिका? यस तारिका, यस ऐसे बोलती, यस यस, मुझे नहीं आता ऐसा बोलना। चलो गाइस चलते हैं, चिल करते हैं, मज़े करते हैं, मज़े मज़े मज़े।